हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग यहाँ पे फ्रेश हो चुके हैं होटल में चेक इन करने के बाद। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से गोवा साइट सीन के लिए। तो अभी हम लोग फ्रेश होके निकले हैं होटल से। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा लंच करेंगे, देखते हैं लंच कहाँ क्या कैसे बैठना है। लंच करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बाइक या जो टू व्हीलर नॉन गियर लेंगे हम लोग रेंट पे। तो चलो बने रहिए, अब आपको मार्केट दिखाते हैं बागा कैसा मार्केट है यहाँ पे। ये देखिए मार्केट पूरा, ये इसे पूरा टीटोस लेन कहते हैं। ये पूरा मार्केट है ऐसा ही। अभी क्या आफ्टरनून में इतना क्राउड नहीं रहेगा, लेकिन ये लाइन पूरा रात को पूरा भरा रहता है। हेलो फ्रेंड्स, हमने खाना वाना खा लिया है और हमने अभी गाड़ी भी ले ली है रेंट पे। तो 400 रुपीस पर डे के हिसाब से हमको एक्टिवा मिला है ब्लैक कलर का। तो कुछ नहीं, अभी वीकेंड है तो निगोशिएट तो कर नहीं पाएंगे ज़्यादा। अभी देखते हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग अगोड़ा फोर्ट देखने जा रहे हैं। अभी मिलते हैं आपको अगोड़ा फोर्ट पे। ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है यहाँ से अगोड़ा फोर्ट। बाजू में आप देख सकते हैं नदी है यहाँ से। हाँ, यहाँ पे शिपिंग बोटिंग वगैरह भी होती है, आप देख सकते हैं। उसके अपने अलग चार्जेस हैं। हाँ, अब यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और फिर अगोड़ा फोर्ट पे जाएंगे। वहाँ से आपको प्रॉपर समुंदर दिखाई देगा ऊपर से। मौसम भी बहुत अच्छा, ठंडा ठंडा मौसम तो मस्त लग रहा है यार। लिटरली सुबह आए थे, बारिश हो रहा था, लग रहा था यार पूरा दिन बर्बाद यहाँ पे। अब तो बारिश में कैसे घूमेंगे, ऐसा हालत हो जाता, लेकिन अच्छा है बारिश नहीं है, धूप है बहुत है। सो डियर फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं अगोड़ा फोर्ट और यहाँ पे ही है पार्किंग, जिसके लिए 50 रुपीस लगता है। तो आप यहाँ से पार्क करके सेफली अपनी गाड़ी रख के अंदर जा सकते हैं। चलें, 50 रुपीज़। हाँ 50 रुपीज़ भाई। तो अंदर चलना है कि पहले कुछ लेना है पीने के लिए? मुझे कुछ पीना है। हाँ, नींबू पानी पीते हैं। चलो आओ ले लो। तो अभी नींबू पानी पीते हैं। इनको अच्छा नहीं लगा। तो फाइनली अपन अगोड़ा फोर्ट पहुंच गए। ये इसका एंट्री लेवल है ना। फाइनली हम लोग अभी अगोड़ा फोर्ट पे पहुंच चुके हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं अगोड़ा फोर्ट है पूरा, और ये देखिए पूरा सामने ये एक्चुअली आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर है सारा। तो नीचे जाके देखेंगे कैसा है क्या है एग्जैक्टली, आपको फ़ोटोज़ बताएंगे आपको सारा, वीडियो जूम करके कैसा क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है। तो चलिए नीचे चलते हैं अभी। चिल्डर पार्टी को ये सब जेल का तय खाना है ना, यही है ना जेल का। आएंगे पहले के लोग आपको मिलने अंदर से। ये अंदर एक्चुअली तय खाना है, पूरा जेल है अंदर इसके अंदर। तो गाइज ये अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर सारा जेल है ये, और उसका एंट्री जो है वो वहाँ से है। उसका एंट्री वहाँ से है जहाँ बहुत सारी भीड़ जमा है। वहाँ हम लोग देख नहीं गए वहाँ पे देखने के लिए, और वहाँ लोग हट ही नहीं रहे वहाँ से।
ये क्या है मुख्य की प्लान है अपर फोटा घोड़ा, ये अपर फोटा घोड़ा है एज पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बस यही है अभी अघोड़ा फोर्ट पे, आप देखिए पब्लिक है यहाँ पे, गोवा फुल चालू है, इसमें कोई लॉकडाउन का नहीं दिख रहा है, 100% गोवा ओपन हो गया है अभी, कोई मास्क भी नहीं पहन रहा है, हम भी नहीं पहने अभी फिलहाल, फोटोशूट करने के टाइम कौन पहनता है मास्क। अघोड़ा फोर्ट का ये मॉडल है यहाँ पे, आपने देखा इस वीडियो में, यहाँ पे अघोड़ा फोर्ट का मॉडल बना हुआ है अपर साइड का, और लोवर का उस तरफ बना हुआ है, लोवर का इस तरफ से डिज़ाइन दिया है, बट अंदर यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बनाया नहीं है गेट वगैरह, बट ये लोवर साइड है और ये अपर है। तो अभी अघोड़ा फोर्ट से अपन निकल रहे हैं और अभी देखते हैं यहाँ से किसी बीच पर जाएंगे। हाँ। कौन से बीच पे जाएंगे अभी? सिंक्वेरियम शायद। हाँ, सिंक्वेरियम बीच यहाँ से नज़दीक है। हाँ। तो सिंक्वेरियम बीच चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे अभी। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अघोड़ा फोर्ट से सिंक्वेरियम बीच। एक्चुअली डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 1 ही किलोमीटर का था, तो हम जल्दी से पहुँच गए। हाँ, तो आइए चलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए सिंक्वेरियम बीच पे। बहुत ही ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड है, गोवा है ये, सो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं। यहाँ से एंट्री है, यहीं से सीधा सीधा लंबा चले जाएंगे तो अपन बाघा पहुंच जाएंगे, क्योंकि सारे बीचेस कनेक्टेड हैं यहाँ। हाँ, यहाँ इसके इससे सीधा आगे जाएंगे तो अपन यहाँ से सीधा कलंगूत आएगा पहले। हाँ। और फिर कलंगूत के आगे कंटिन्यू जाएंगे 2-3 किलोमीटर तो बाघा आ जाएगा, ये सारा कनेक्टेड है लाइन से। तो ये फाइनली सिंक्वेरियम बीच, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्योंकि बीच है तो थोड़ा ठंडा हवा भी आ रहा है, तो और इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर आप मुंबई से हो तो आपको पता होगा कि मुंबई के बीच और गोवा के बीच में ज़मीन आसमान का फर्क है। मुंबई में सिर्फ और सिर्फ गंदगी है, उसमें लोगों की गलती है, गोवा इतना साफ है, देखिए एक कचरा नहीं यहाँ पे, एक कोई कचरा नहीं फेंकता है, लेकिन अपने मुंबई में तो लोग पता ही आपको पूरा गंदगी करके रखते हैं। तो अभी थोड़ा चलिए देखते हैं पानी में थोड़ा मज़ा लिया जाए आगे जाके। बीच में एक दिन आएंगे, नहाने टॉवल लेके आएंगे।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। और हाँ, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए क्योंकि गोवा के बहुत सारे अलग अलग वीडियोस आने वाले हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।